इसी संख्या में जो और वेब की चर्चा की है और आशंका व्यक्त की है, इसके लिए भी सरकार की तैयारियां चल रही हैं। इस महामारी ने हमें बहुत कुछ सीखने और जानने का अवसर दिया। एक कि बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय है। मेडिकल कॉलेज केवल मेडिकल एजुकेशन और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का ही केंद्र नहीं होता है, बल्कि मेडिकल कॉलेज को हेल्थ अवेयरनेस का ही केंद्र बिंदु बनना चाहिए, क्योंकि उपचार से मृत्यु को बचाओ और हम एक बड़ी मानव ताकत को बीमारी की चपेट में आने से बचा सकते हैं, जो भारत ने सफलतापूर्वक कोरोना महामारी के दौरान करके दिखाया। केवल जब हम उपचार पर फोकस करते हैं तो हमारे परिणाम वैसे ही आते हैं जैसे यूरोप और अमेरिका की देन। आप देख रहे हैं अमेरिका की आबादी, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका या यूरोप का भारत से बहुत अच्छा है, लेकिन अवेयरनेस की बजाय उन्होंने उपचार पर ज्यादा फोकस किया तो वे फेल हुए। भारत की एक चौथाई आबादी है अमेरिका की, भारत से अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है अमेरिका की, लेकिन भारत से 1.5 गुना मौतें हुई हैं अमेरिका में। यह दिखाता है कि केवल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से हम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। बीमारी से बचाव के प्रति जागरूकता एक बहुत बड़ा अभियान चल सकता है, मेडिकल कॉलेजेस को उसका एक केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। छोटी छोटी चीजें आपने देखा होगा, अयोध्या है यहाँ पर, बहुत ज्यादा आप इससे परिचित नहीं होंगे, लेकिन जो छात्र या जो फैकल्टी मेंबर्स ईस्टर्न यूपी में गोरखपुर और पश्चिमी कमिश्नरी में काम किए होंगे, वहां पर 1977 में इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क ज्वर नाम की बीमारी आई और उस बीमारी से 1977 से लेकर 2017 तक और वर्ष 1200, 1500, 2000 तक मौतें होती हैं। 1 से 15-16 वर्ष तक के बच्चे इसकी चपेट में आते हैं। 1977 से 1998 तक तो किसी सरकार ने इसका संज्ञान भी नहीं लिया था। 1998 में जब मैं सांसद बना तो मैंने इस मुद्दे को संसद चलो सेकंड है जल्दी चलो
8 नए मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के छात्रों को प्रवेश देने के लिए, उस समय एमसीआई काम करता था, एमसीआई से अप्रूवल लेकर के उन 8 मेडिकल कॉलेजेस को प्रारंभ किया था, जिसमें अयोध्या का यह मेडिकल कॉलेज भी था। मेडिकल कॉलेज को अपना फुल फ्लेज मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनने, हॉस्पिटल की बिल्डिंग आदि को बनाने में एक समय सीमा दी गई थी। इसी दौरान मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में मेडिकल कॉलेज के इस हॉस्पिटल का उपयोग करना पड़ा और इसने अपनी बेहतरीन सेवा यहां पर देने का प्रयास किया। नया मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद यहां पर कोविड पेशेंट के लिए आरटीपीसीआर की लैब भी बनाई गई, जहां पर प्रतिदिन 3000 से अधिक टेस्ट करने की क्षमता वर्तमान में है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश मार्च 2020 में जब कोरोना की आहट हुई थी, तब प्रदेश में कोई भी लैब नहीं थी। हमें सैंपल जांच करने के लिए यूपी के बाहर भेजना पड़ता था, एनआईबी पुणे भेजना पड़ा था, लेकिन आज हमारे पास 3 लाख से अधिक टेस्ट करने की क्षमता अकेले उत्तर प्रदेश में है। पहला जब मरीज आया था उत्तर प्रदेश में कोरोना का, उस समय हमें सैंपल भी बाहर भेजने पड़े थे, एनआईबी पुणे भेजने पड़े थे, और पेशेंट को भी हमें दिल्ली भेजना पड़ा था उपचार के लिए। लेकिन आज हमारे पास 2 लाख बेड्स मौजूद हैं, जहां पर हम कोरोना पेशेंट को उपचार दे सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के, और थर्ड वेव की भी हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मैं आज इसी के निरीक्षण के लिए निकला हूं। मैंने प्रातःकालीन सत्र में सिद्धार्थ नगर जनपद के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। 19-20 में हम लोगों ने 8 नए मेडिकल कॉलेजेज को एमसीआई का अप्रूवल लेकर के प्रारंभ किया, वे सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। इस सत्र में हम 9 नए मेडिकल कॉलेजेस का अप्रूवल लेने के लिए आवेदन किए हैं, जिनका अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को नेशनल मेडिकल काउंसिल के रूप में मान्यता दी गई है। तो एनएमसी का इंस्पेक्शन और उसके अप्रूवल की प्रत्याशा में हम लोगों ने नए 9 मेडिकल कॉलेजेस को तैयार किया, तो उसी के निरीक्षण में हम लोग निकले हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन के लिए प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के मजबूती के साथ कार्य कर रही है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं 1947 से लेकर के 2016 तक 69 वर्षों में प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे, और पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में हम लोग 32 नए मेडिकल कॉलेज या तो बना चुके हैं या बना रहे हैं, जिसमें 8 में विगत वर्ष प्रवेश संपन्न हुए। अयोध्या का मेडिकल कॉलेज, इसमें 2 बैच के 100-100 छात्र हैं। थर्ड ईयर के लिए, यानी फर्स्ट इस साल के थर्ड बैच के लिए अक्टूबर में काउंसलिंग के थ्रू 100 बच्चों के लिए फिर से 100 बच्चे फिर से आएंगे, और अभी से तैयारी हो रही है कि पीजी के लिए भी हम आवेदन कर सकें।
यानी मेडिकल कॉलेज अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। 200 बेड का एक नया हॉस्पिटल यहाँ पर खड़ा हो रहा है, बहुत शीघ्र वह बन करके वह भी तैयार होगा। कार्यदायी संस्था को इसके बारे में पहले निर्देशित किया जा चुका है। 9 नए मेडिकल कॉलेजेस में हम लोग इस सत्र में प्रवेश लेने के लिए आवेदन किए हैं, सभी औपचारिकताएं हमारे पास पूरी हैं, वहां पर हम लोग एडमिशन इस बार करवाएंगे। इस सत्र में 14 नए मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने प्रदेश में स्वीकृत किए हैं, यानी आजादी के बाद 69 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज और शेष हम लोगों ने पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान 32 नए मेडिकल कॉलेज हम लोग वर्तमान में प्रदेश को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके बाद 16 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, न प्राइवेट में न गवर्नमेंट में। उसके लिए भी हम लोग एक पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर के वहां पर मेडिकल कॉलेज यानी पीपीपी मोड में हम वहां पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए अपनी एक पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि उन 16 जनपदों में भी दिसंबर से पहले एक एक मेडिकल कॉलेज के लिए हम अपनी सहमति और स्वीकृति दे करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। 14 नए मेडिकल कॉलेज जो हमारे आ रहे हैं, इसको लेकर के देश के अंदर किसी भी राज्य के पास सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज होंगे वो उत्तर प्रदेश होगा। जिस उत्तर प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे कमजोर माना जाता था, आज उत्तर प्रदेश इसमें नंबर एक पर आ रहा है। और अयोध्या का ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पर अच्छी सेवा दे रहा है, फैकल्टी यहाँ पर पूरी है, यहाँ पर लाइब्रेरी लैब्स अच्छा काम कर रही हैं, ब्लड बैंक आदि का भी निरीक्षण मैंने अभी किया है। हॉस्पिटल में जो यहाँ पर पेशेंट भर्ती हैं उनका भी मैंने हालचाल लिया है। कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक बिल्डिंग का मैंने निरीक्षण किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यहाँ पर कुछ अन्य बेहतर सेवाएं अयोध्या वासियों को यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भावनाओं के अनुरूप उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेगी। कोरोना महामारी के दौरान यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने हेल्थ वर्कर्स के साथ प्रशासन के साथ मिलकर के जो अच्छा परिणाम लाने का प्रयास किया, वह मैं इसके लिए उन सब का अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे लोगों ने अपने स्वजनों और प्रियजनों को भी खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आने वाले समय में अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर एक नया स्थान बनाने जा रहा है, उसके लिए हमें हरेक क्षेत्र में तैयार होना होगा, न केवल टूरिज्म के लिए बल्कि अच्छा एजुकेशन का हब बने, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी एक केंद्र बिंदु बने, अच्छी यहाँ पर पर्यटन की सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के केंद्र और प्रदेश सरकार उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसीलिए आज मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण और इसकी भावी योजना पर विस्तृत रूपरेखा तैयार करने और अयोध्या के विकास को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।